चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कोई अपनी तरफ से? जी जी, मैंने उस दिन ये देखा, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुश रहें। खुश रहने के लिए जो है ना, उन्होंने हमारे एक दोस्तों ने कुछ शेयर किया था, हमारे खैबर मेडिकल कॉलेज का एक ग्रुप है, तो उन्होंने उसने कहा था कि चार हार्मोन है जो आपको खुश रखते हैं। उन हार्मोन में एक हार्मोन ये है कि वो एक्सरसाइज से आपको आता है, दूसरा जब आप लोगों की अभी आप खुश रहने का तरीका बता रहे हैं, तो खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक्सरसाइज करें, आप लोगों से घुल मिल कर रहें, आप लोगों की खिदमत करें, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप आपके खाने में से अच्छा खाना हो, और मतलब लोगों की दुआएं लेते रहें। अच्छा जी ना जी नादरीन, अभी डॉक्टर साहब ने खुश रहने का तरीका भी बता दिया, और मैं अभी आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब लास्ट टाइम मैं आया था तो आखिर में जाते वक्त डॉक्टर साहब ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर कभी आपको कोई गरीब नज़र आ रहा हो तो उसको मेरे पास ज़रूर ले आना है, मैं उसका इलाज फ्री करूँगा। तो ये डॉक्टर साहब की एक अच्छाई है, और इसी वजह से डॉक्टर साहब नज़र भी आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यकीनन आपको इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगले प्रोग्राम तक आमिर हबीब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।